जी स्टूडेंट, बिना अपना टाइम गवाए हम जल्दी से अपने मुद्दे पे आते हैं। और आज का जो मुद्दा है वो ये है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो अप्रैल 2024 में एग्जाम देने जा रहे हैं, उनको सिर्फ ये चिंता लगी हुई है कि अभी तक प्रैक्टिकल की डेट शीट क्यों नहीं आई है और प्रैक्टिकल का हॉल टिकट क्यों नहीं आया है। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी स्टूडेंट को बता दूं, आज के मेरे इस वीडियो में पूरी चर्चा करने जा रहे हैं हम प्रैक्टिकल के एग्जाम्स के बारे में जो 2024 में होने वाले हैं, और साथ साथ में प्रैक्टिकल के हॉल टिकट और डेट शीट को लेकर कि ये डिक्लेयर हो गए हैं या नहीं हुए हैं और कैसे आपको प्राप्त होंगे। तो आज के मेरे इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपके ये सारे डाउट क्लियर हो सके। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सिंह गुसाई NIOS एक्सपर्ट। ये चैनल है आपका VCIC गुरुजी। इस चैनल में हम लोग NIOS की सारी अपडेट्स आपको देते रहते हैं, नए आए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जाम्स को लेकर। जी हाँ, सबसे पहले तो स्टूडेंट को मैं बता दूं, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जब भी प्रैक्टिकल का हॉल टिकट डिक्लेयर होगा या फिर डेट शीट डिक्लेयर होगी तो हमारी एक अपडेट वीडियो आपके लिए जरूर आएगी। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि इस वीडियो में फिर कुछ भी बताने के लिए नहीं है तो ये आपकी गलतफहमी है। आप देखिए इस वीडियो को, इसमें बहुत सारी जानकारी मैं ऐसे देने जा रहा हूँ जो प्रैक्टिकल एग्जाम से पहले आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आप लोगों को बता दूं कि अगर मैं पिछले साल की बात करता हूँ, स्क्रीन में आपको एक पिछले साल की डेट शीट दिखाता हूँ प्रैक्टिकल की। ये जो डेट शीट आप देख रहे हो, इस डेट शीट में अगर आप डेट देखोगे तो 15 मार्च से लेकर 31 मार्च तक पिछली बार ये प्रैक्टिकल एग्जाम चले थे, यानी कि 15 से 16 दिन ये एग्जाम हुए थे। और इन एग्जाम्स में अलग अलग दिन पे अलग अलग सब्जेक्ट्स के एग्जाम हुए थे। तो 15 मार्च से 31 मार्च के बीच में 2023 में एग्जाम हुए थे, तो इस साल भी लगभग यही टाइम पीरियड रहेगा। आपका प्रैक्टिकल एग्जाम लगभग 15 तारीख से स्टार्ट होंगे और जो 31 मार्च तक चलेंगे। और साथ साथ में अगर मैं बात करूं कि इसकी डेट शीट कब तक आ जाएगी, तो डेट शीट लगभग आपका जो है फरवरी के एंड में आ जाएगी और उसके बाद आपका हॉल टिकट आ जाएगा प्रैक्टिकल का। हॉल टिकट आने पे आपका जहां पर भी सेंटर मेंशन होगा वहां पर जाके आपको जो है ये प्रैक्टिकल एग्जाम देना है। वो आपका स्टडी सेंटर भी हो सकता है या फिर कोई और एग्जाम सेंटर भी हो सकता है। प्रैक्टिकल एग्जाम्स आप सभी को पता है कि हमारे पांचों सब्जेक्ट्स में नहीं होते हैं, किसी किसी सब्जेक्ट्स में होते हैं। तो जिन सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होते हैं उनकी आपको प्रैक्टिकल फाइल बनानी है। प्रैक्टिकल फाइल अगर आपने नहीं बनाई है अभी तक तो जल्दी से स्टार्ट कीजिए। अगर आपको सॉल्व मटेरियल चाहिए तो VCIC गुरुजी.com पे जाइए, वहां से डाउनलोड कीजिए और अपनी प्रैक्टिकल फाइल बनाना स्टार्ट कीजिए। और अगर आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, आप कहीं जॉब पे हो, किसी एक्टिविटी पे हो और आपसे प्रैक्टिकल फाइल बनाने से समय लग रहा है, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हम लोगों ने हार्ड कॉपी हैंड रिटन प्रैक्टिकल फाइल बनाई है जो आपके घर के एड्रेस पे भेज दी जाएगी। उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हो। साथ ही साथ मैं स्टूडेंट को ये बता दूं कि जब ये प्रैक्टिकल फाइल का आपको बनाने के बाद सबमिट कर दी जाती है, उसके बाद वहां पर एग्जाम होता है, तब आपको इसमें मार्क्स दिए जाते हैं। और साथ ही साथ में यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जाम जो होता है उसका जो शेड्यूल आता है वो NIOS बोर्ड दिया जाता है कि 15 से 19 के बीच में ये वाला एग्जाम होगा, 20 से 24 के बीच में ये वाला होगा, 25 से 31 के बीच में ये वाला होगा। लेकिन उस शेड्यूल को दोबारा से रीशेड्यूल बनाया जाता है अलग अलग स्टडी सेंटर द्वारा उनके अकॉर्डिंग। यानी कि एग्जाम का जो प्रैक्टिकल का डेट शीट आएगा वो तो NIOS का होगा, लेकिन आपके स्टडी सेंटर का रीशेड्यूल जरूर आपको चेक करना होगा। वो कैसे चेक होगा, उसके लिए आपको पर्सनली विजिट करना होगा उस वाले सेंटर पे जहां पे आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाले हैं, और वहां पर जाकर या तो वहां पे नोटिस बोर्ड पे मेंशन कर दिया होगा या फिर वहां का स्टाफ आपको बताएगा कितनी तारीख से लेकर कितनी तारीख के बीच में कौन सा एग्जाम आपको देने आना है। क्योंकि देखिए, हर साल हम लोग एग्जाम करवाते हैं, हर साल हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट ये गलतियां कर देते हैं और फिर गलत होने के बाद तब हम तक जुड़ते हैं और हमें कॉल करते हैं और बोलते हैं मेरा प्रैक्टिकल छूट गया। प्रैक्टिकल कैसे छूट जाता है, जब आप ये मान के चलते हो कि 19 से 23 तारीख तक का डेट है फिजिक्स और केमिस्ट्री का, मैं कभी भी जाऊंगा और एग्जाम दे दूंगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। हो सकता है 19 से 21 का हो लेकिन उन्होंने 19 तारीख को ही फिजिक्स का करा दिया हो और 20 तारीख को ही केमिस्ट्री का करा दिया हो। उसके बाद जब आप 21 तारीख को जाएंगे तो वहां पे स्टडी सेंटर द्वारा ये बोल दिया जाएगा, हमारे यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जाम हो चुका है, खत्म हो गया है और इसकी हमने प्रेजेंट भेज दी है, अब कोई प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होगा। ऐसे में आप परेशान हो जाओगे, आप बोलोगे सर डेट तो 31 तारीख तक थी या 21 तारीख तक थी, तो ऐसे में आपको स्टडी सेंटर ये बताएगा कि हमने नोटिस लगा दिया था रीशेड्यूल का, आपको वो चेक करना चाहिए था। ये हर साल होता है और बहुत सारे स्टूडेंट के साथ में होता है, लेकिन अगर आप जुड़े हो VCIC गुरुजी चैनल के साथ में तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है
हर एक उस नए स्टूडेंट को ये जानकारी दे सकूं। जो लोग पहली बार प्रैक्टिकल एग्जाम देने जा रहे हैं, इस तरीके का कोई गलती मत करिएगा। और अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन होगा तो एक बार अपना डेट शीट या जो भी आपका हॉल टिकट आएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज के हमारी टीम के साथ में डिस्कस करिएगा, वो आपको जरूर बताएंगे कि कैसे कैसे आपको यहाँ पर एग्जाम देना है। तो मेरा कहना यह है कि जब आपके एग्जाम प्रैक्टिकल एग्जाम 15 मार्च से स्टार्ट होने हैं, 31 मार्च तक हो गए, तो आप अभी से परेशान क्यों? आप अभी अपनी थ्योरी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करिए और अच्छे से करिए प्रिपरेशन। उसके लिए vcicguruji.com पे जाकर सैंपल पेपर डाउनलोड कर लीजिए, सॉल्व इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाउनलोड कर लीजिए, नया जो सिलेबस आया वो डाउनलोड कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग ही एग्जाम देने जाइए। जब आप ये सारी चीजें आपके पास होंगी तो आपका एक कॉन्फिडेंस भी क्रिएट हो जाएगा और जो है आप अच्छे से एग्जाम देके बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ पास हो जाओगे। तो ये थी आज की जानकारी, अच्छी लगी हो तो जरूर शेयर करिएगा और लाइक दीजिएगा ताकि और भी वीडियोस मैं लेकर आता रहूं। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।